विस्फोट में युवा अभिभाषक अमित शर्मा की रहस्यमय मौत को लेकर मामला गहरा गया है। इस मामले में परिजनों ने वकील की हत्या किए जाने का आरोप लगाया है। वहीं परिस्थिति जन्य हालातों को देखकर अभिभाषक की हत्या की आशंका भी जाहिर हो रही है। इसे लेकर अभिभाषक संघ ने इस घटना की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है। बार एसोसिएशन के तमाम पदाधिकारी शुक्रवार को एसपी से मुलाकात करने पहुंचे। अभिभाषक गणों ने अमित शर्मा की संदिग्ध मौत को लेकर एसपी से निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है। इधर इस पूरे मामले में पुलिस की जांच जारी है। पुलिस उन तमाम बिंदुओं पर पड़ताल कर रही है जिसकी वजह से विस्फोट की घटना हुई है। पुलिस के मानना है कि घटना बारूद के धमाके से हुई है। अमित ने आत्महत्या की कोशिश की या नहीं इसकी भी पुलिस विवेचना कर रही है। पुलिस उन तथ्यों को भी जुटा रही है जो जांच में पुलिस के लिए मददगार साबित हो सकते हैं। मामले में पुलिस परिजनों से भी पूछताछ करेगी। फिलहाल पुलिस को मृतक की पीएम रिपोर्ट आने का इंतजार है। आए दिन प्रिटेस्ट करते हैं कि भाई ऐसे मारोगे तो खून इस तरीके से जाएगा तो ऊपर की तरफ जाता है कि नीचे की तरफ जाता है वगैरह वगैरह। वो चीज़ अगर देखेंगे तो खून जो है वो चारों तरफ छिड़का हुआ है, निकला हुआ है। तो कोई भी अगर वो इस तरीके से मारेगा तो सामने खून जाता है, जनरली वैसा गया नहीं सब जगह। एक और चीज़ की वो जो दरवाज़ा है, दरवाजे के बाहर की दीवार तक खून गया है। इतनी दूर खून जा नहीं सकता, उसमें कोई विस्फोट देखे वो खून निकला नहीं। तो एक चीज तो कंफर्म है कि वो विस्फोट की वजह से ही डेथ हुई है। और गला रेतन गला जो इंसान बचाते हुए, क्योंकि आफ्टर गला की भी बात अगर ये फोड़ा जा सकता है किसी के द्वारा, ऐसा भी संभव है। जो वो चीज़ है उसके अंदर उसके तो हम लोग इन्वेस्टिगेट करवा रहे हैं। उसके कुछ कुछ जो है हमारे पास एफएसएल रिपोर्ट आ चुकी है कि क्या हुआ है एग्जैक्टली उसके अंदर और कैसे कैसे गला रेतन की किसी ने प्रारंभ कोई भी एक्सप्लोजिव है। आप लोग सब लोग वकील भी आप लोग काफ़ी केसेस भी देखते होंगे। दो मिनट आपका लूंगा, मतलब सब लोगों से बात करेंगे। इसमें बेसिकली जब हम लोग घटनास्थल पर पहुंचे हैं तो घटनास्थल के अंदर जो है अगर आप देखेंगे तो व्यक्ति जो है वो अंदर घर में पड़ा हुआ था। उसके घर स्कल जो है मतलब ये यहाँ का पूरा पार्ट जो है वो उड़ा हुआ था। जब अंदर घुसते हैं तो वहाँ पर पूरे के पूरे बारूद की स्मेल आ रही थी। जो पटाखा का डिब्बा था वो पटाखे का डिब्बा उनके सिरहाने के पास में पड़े रखा हुआ था। परिवार वाले आने के बाद में हमारे अभिभाषक संघ गुना के सदस्य अमित शर्मा जी जो कैंट में निवास करते हैं, उनकी मृत्यु बड़ी संगीत आस्पद स्थिति में हुई है। अभिभाषक संघ गुना की ओर से हम सभी अभिभाषक एसपी साहब से मिलने आए थे और उनसे निवेदन किया हमने कि साहब इसकी गहराई से जांच हो, क्योंकि तो परिस्थितियां जो आ रही हैं सुनने में चाकू मिला है, कहीं ये मिला है वो मिला है, तो जनश्रुति और समाचार माध्यम से जो प्राप्त हो रहा है उसमें ऐसा लगता है कि जो मृत्यु हुई है वो संगत परिस्थिति में है। इसलिए उसकी निष्पक्ष जांच की मांग के लिए हम लोग एसपी साहब से मिले। क्या आश्वासन मिला आपको? एसपी साहब उसकी गहराई से जांच कर रहे हैं। एसपी साहब भी कल घटनास्थल पर तुरंत पहुंच गए थे और यही अपेक्षा है कि प्रशासन जो है उसकी गहराई से जांच कर न्याय की दिलाएगा।